पूरे हाथ है ना, ये हाथ पूरे सुंद हो गए सुंद भाई साहब। आज लग रहा है कि विंटर स्टार्ट हो गया कसम से यार। अनबेरेबल ठंडी थी जो हाथ पे लगती ना, बिल्कुल बैर नहीं कर पा रहा था मैं। एक हाथ तो पॉकेट में रख के आया हूँ, माशाल्लाह अच्छी ठंडी हो गई है। चलो हम तो आ गए हैं जिम, सवेरे के 6:43 बज रहे हैं। फटाफट वर्कआउट कंप्लीट करते हैं और फिर फार्म पे बढ़ते हैं। आज हमारा वर्कआउट में है बैक और बाइसेप्स, फटफट कंप्लीट करते हैं। चलो कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, ऐसे कैसे कोई नहीं आया, मैं खुद लेट आया हूँ फिर भी कोई नहीं आया। ठंडी से कोई उठ नहीं पा रहा है लगता है सर, कोई उठ नहीं पा रहा है। चलो 27 तारीख आज हमारी पहली एंट्री, निकालनी पड़ेगी यार। यार ये भूल जाता हूँ मैं हमेशा चाबी लेना अंदर। भाई साहब सर्दी जो है ठंडी महसूस हो रही है अभी भी, अच्छी ठंडी लग रही है, मगर अब मुझे ठंडी से कोई फर्क नहीं पड़ता। सर्दी हो या गर्मी, अब मेरे लिए सब क्लाइमेट एक समान है। हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। पहले मैं बहुत है ना विंटर इज कमिंग काफी किया करता था, मगर अब कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे क्योंकि मैं बहुत आगे बढ़ चुका हूँ। हाँ, मगर पर्सनली मुझे ये सर्दी वाला माहौल जो है काफी पसंद है। अब एक दिन ना फार्म पे रुक के देखेंगे कि वहां का क्या माहौल है, तो उस हिसाब से थोड़ी सी अपन बच्चों के लिए जो है सुविधा कर लेंगे और अपने जानवरों को, बाकी जानवरों के लिए भी ये करना पड़ेगा। लेट्स सी वहां पे कैसी होगी, क्योंकि पुणे में सबसे ज्यादा सर्दी जो है अपने जो एरिया है अपनी एरिया में रहती है भाई, ये तो इसकी तो हिस्ट्री है। निकलने से पहले बस थंबनेल जो है वो चेंज कर रहा हूँ, एडजस्ट एडिट किया यहाँ पे खड़े खड़े ही वो लगा रहा हूँ। सारे काम आसान होते हैं, बस करने वाला चाहिए। चलो डन, अभी जा सकते हैं अपन। चलो स्ट्रीट हॉक, जागने का समय आ गया है। चलो लेट्स गो गाइस, इट्स 9:22 इन द मॉर्निंग। सुभान अल्लाह जी सखर लना, देखते देखते देखो हम लोग कहाँ तक पहुँच गए। 9:40 हो चुके हैं और हम कोंडवा पहुँच भी गए। कितने मिनट में, 22 मिनट, 9:22 में घर से निकला था ना मैं, हाँ 9:22, 18 मिनट में कोंडवा पहुँच गया अलहमदुल्ला। रास्ता सही था। कल की फुटेजेस कैसी लगी तुम लोगों को? मैंने कल ना कुछ रॉ फुटेजेस डाली, कुछ नहीं दो रॉ फुटेजेस डाली। वो कौन सी, जो एक घाट पे मैं चढ़ रहा था वो वाली, और जो एक फार्म पे एंट्री कर रहा था ऑफ रोड से वो वाली। वो मैंने बिना म्यूजिक के डाली है, ये मत समझना कि मैं म्यूजिक डालना भूल गया। वो मैंने बिना म्यूजिक के इसलिए डाली थी कि वो एक रॉ फुटेज रहेगी, तो उसका जो फील है ना वो फील आप लोग लो, इसलिए मैंने वो रॉ फुटेजेस डाली। कैसी लगी वो फुटेजेस बताना ज़रूर। घाट चढ़ते टाइम वाली जो फुटेजेस है ना, उसको मैंने सिर्फ फास्ट फॉरवर्ड किया है और वो कोई कट नहीं है उसमें, कुछ नहीं है, पूरी वैसी की वैसी है जैसे मैंने स्टार्ट किया है, स्टार्ट टू एंड वैसी की वैसी है, कोई कट नहीं है उसके अंदर, सिर्फ फास्ट फॉरवर्ड हुई है। बाप रे, बड़ा खड्डा आ चुका है हमारे सामने, आ चुका नहीं उसमें हमारी गाड़ी खुद चुकी है। चलो आ गया ये कंफ्यूजिंग ब्रिज, ये लोग दोनों देख के ना जरा जोश में आ रहे पीछे, क्या कर रहा। रिक्शा वाले ने ले लिया इसको साइड पे, रिक्शा वाले ने साइड में ले लिया इसको। हाँ कुछ कॉन्वर्सेशन हुई है वहां पे वो दोनों बंदों के साथ, वो फुटेज भी सब रिकॉर्ड हो गई इसके अंदर सारी की सारी। चलो हम तो बढ़ रहे हैं फार्म पे, अगर वो फुटेज देखने के लिए ना कमेंट करो, मैं डालता हूँ देखो क्या बोलने का पब्लिक को, क्या बोलने का। देखो मैं तुम लोगों को एक ही चीज़ बताता हूँ, जो मैं करता हूँ, सबके साथ है ना प्यार मोहब्बत से रहो, सबके साथ है ना मोहब्बत बांटो, नफरत है मैं कुछ नहीं रखा है, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना मैंने बहुत करके बैठ चुका हूँ, मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ किया हूँ। अगर मेरी छोड़ दो अभी वो बात, वो क्या निकालूँ मैं बस इतना ही बोलूँगा, प्यार मोहब्बत से रहने का सबके साथ, बस सिर्फ मोहब्बत बांटो, प्यार मोहब्बत में रहो, ये सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा है। वो वक्त करीब है जब मुसलमान का सबसे उम्दा माल उसकी बकरियाँ होंगी, जिनके पीछे वो पहाड़ों की चोटियों और बरसाती वादियों में अपने दीन को बचाने के लिए भाग जाएगा। दाल चा खाओ खुश हो जाओ, दाल चावल नहीं बे, दाल चा, अच्छा, दाल चा।
दाल चा। हाँ भाई दाल चा। मोनू के लिए घर से खाना आ जाता है अगर जल्दी बन जाए तो। घर से खाना इन द सेंस मतलब कुछ खास बने तो, नॉर्मल तो वो बना ही लेता है, खास कुछ बना तो हम घर से लेके आ जाते हैं। मस्त सूख गया ये, एक नंबर। अपनी बकरी यहाँ पे सवेरे ही मैंने बाल बांधने बोल दिया, दोनों बच्चे उसके मस्त धूप ले रहे ना ये लोग। पता है सता है रात भर चिल्लाए, उसकी माँ चिल्ला रही थी। लाइट वाइट कोई गई याकी वाकी? कोई नहीं गई ना, अपना काम एकदम परफेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह। अंदर सब सही है ना? सही है। अभी सब आराम कर रहे, जाऊंगा डिस्टर्ब हो जाएंगे। अभी अंदर नहीं जाएंगे, अभी थोड़ी देर में झाड़ू मारने वाले आएंगे ना तो फिर जाएंगे। हाँ तू जाना, तू बच्चे लोग को दूध पिला देना सबको। एकदम मस्त ना, किसी को मोशन वगैरह नहीं है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। कोई बच्चा जुलाब नहीं कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। दिस इज अ गुड साइन कि बच्चे हमारे दूध सही से हजम कर पा रहे। अभी हम लोग अंदर नहीं जाएंगे, जब साफ करने वाले आ जाएंगे तब वही टाइम पे जाएंगे। जब वो टाइम पे जानवर डिस्टर्ब होंगे ना तो वही टाइम पे होने दो। अब जबरदस्ती का अपन जाएंगे अभी डिस्टर्ब होंगे, फिर थोड़ी देर का और फिर डिस्टर्ब होंगे। 10:30 बजे आ जाते हैं वो, आज हम काफ़ी जल्दी आ गए ना अल्हम्दुलिल्लाह। चलो जितना वक्त यहाँ बिताएंगे उतना अच्छा है। भाई आ गए हमारे वेल्डर वाले भाई लोग, मगर इनका टाइम बचाने के लिए मैंने कल इसको रेडोक्साइड मारा और ये लोग ही लेट कर दिए। 11:13 हो रहे हैं, मैं भी अंदर जा रहा हूँ, साफ सफाई का काम चल रहा है। मैं क्या कर रहा था मालूम है? मैं अपना व्लॉग एडिट करते बैठ रहा था। मैंने पूरा व्लॉग अब तक का जो किया हुआ है, इसके पहले की फुटेज तक का जो किया हुआ है, मैंने पूरा व्लॉग एडिट करके आ गया। एंड यू नो टाइम मैनेजमेंट, दिस इज हाउ इट शुड बी। देखो अभी तक यहाँ का साफ नहीं हुआ, खूटे वाला सेक्शन, फिर खस्सी वाला सेक्शन, ये दो साफ होता है पहले, फिर गोट रूम, फिर उसके बाद ये दो। ये देखो ये साफ हो चुका है। बच्चा पार्टी, सुल्तान को देखो, आप सुल्तान को खड़ा हो गया ना अल्हम्दुलिल्लाह। अपने खस्सी अल्हम्दुलिल्लाह। काजू कतली को देखो माशाल्लाह, अरे माशाल्लाह, अल्लाह देखो नजर से बचाए। बहुत खूबसूरत है बच्चा, बहुत खूबसूरत बच्चा है। अल्टीमेट खूबसूरती है इसकी, अल्टीमेट खूबसूरती। हो गई भाई साफ सफाई, डन। मोनू वाला सिर्फ ब्रीफ करता है करवाने के लिए, ऐसा करना है वैसा करना है, और मदद के लिए खड़ा रहता है यहाँ पे। वेरी गुड बॉय, वेरी गुड। हाँ साफ सफाई डन अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा वाला खरड़ा ले गया ना? हाँ। How are you Siri? How are you Alexa? Gaifa, Itraf, Varsa, Zamzam and Ajwa. अब ये भी तो इतने सारे बच्चे हैं, इनका भी तो नाम रखना है। वो एक टोगन की फीमेल, वो एक, वो ये एक अल्पाइन की फीमेल, ये वो, इसका तो थॉर नाम रख दिया अपने। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह 1, 2, 3, 4 फीमेल्स अपनी होम ब्रीड। और जो बाकी के नए बच्चे हुए वो उनका बताएंगे आपको जेंडर सब, काफ़ी बताएंगे। अबे इसको दवाई पिलाओ पहले, सुबह दोपहर शाम 3 टाइम पिलाने का है। सुबह हाँ, सुबह शाम भी पिलाए तो चलेगा, मैं तो सुबह शाम ही पिला रहा हूँ 2 दिन से। और थैली रखा, साफ होने की दवाई पिलाया, पिला दिया, इसका बाकी है। हाँ उसका वही एक टाइम पे पिलाएंगे, सही है। चलो आज कल, आज कल सैटरडे ना, कल आखिरी है उसका, उसका 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 संडे आखिरी है, एक हफ्ता हो जाएगा पूरा। कैसा है तू? यू आर गुड ना? माशाल्लाह खुराक हो गई इसकी। अभी मैं सोच रहा हूँ यार इसको मत बेचूँ यार, क्योंकि मेरे को अभी कल शाम में भी इंक्वायरी आई थी, मैंने उनको कुछ ऐसा जवाब नहीं दिया, मगर मैं सोच रहा मत बेचूँ। ये दो दांत कर लेगा ना, इसको कुर्बान कर दूंगा मैं। वैसे भी अपने को बकरे तो लगेंगे ही, अपने कुर्बानी के 3 बकरे तो है ही, अभी 2 बकरे, तीसरा ये भी हो जाएगा इंशाल्लाह। चलो ये वेल्डर वाले भाई लोगों को कनेक्शन करवा के देते, फिर ये काम शुरू करवाते हैं। ये क्या क्या काम होगा सब पता चल जाएगा आपको, बस काम होने चाहिए, रुकने नहीं चाहिए। गड़बड़ में मैंने क्या किया, यहाँ से घुसा वहाँ से निकल के यहाँ से आ गया। मैंने कुछ सब बकरों को देखना है इंडिविजुअल, ध्यान रखना पड़ता है भाई साहब। छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो बड़ी चीज़ों से, बड़े नुकसानों से बच जाओगे। यहाँ से शुरू करेंगे। और बुराक नाक देखना है फिलहाल सर्दी के लिए, मुड़े मुड़े दिख नहीं रहा तो सर्दी नहीं है। दोपहर के 12:34 अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फीड करा के हो गया। अभी यहाँ जा रहे हैं हम गोट रूम में देखने के लिए कहाँ तक आया इनका काम। चलो एक पाइप लगा अभी से, सही है, एक पाइप लग चुका है, दूसरा पाइप लग रहा है अभी अल्हम्दुलिल्लाह, गुड, सही है। ये लग गए फटाफट से, पत्र टैप हो जाएंगे इसके ऊपर, ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला, जल्दी जल्दी हो जाएगा, एक दिन का ही काम है इनका तो।
चलिए भाई साहब, बहुत लंबा ब्रेक हो गया, 3:30 हो रहे हैं दोपहर के, जुमा वगैरह में बिजी हो गया था मैं, अब आया हूँ यहाँ पे मैं देखने के लिए। अरे वाह, स्ट्रक्चर तो पूरा खड़ा कर दिया ये लोग ने माशाल्लाह। ये देखो याका भी हो गया, वेरी गुड। चलो भाई, ये लोग तो अपना काम कर रहे हैं, इनको करने देते हैं, अपन अंदर जाके देख लेते हैं सब जानवरों को एक बार। आज देखो मैं तो निकल भी गया था, तो मेरा काम सब कुछ हो चुका है, मगर ये वेल्डिंग का जो काम चल रहा है ना, मैं उसके लिए रुक गया हूँ। एक बार ये भी देख लेंगे और ये भाई लोग का भी देखते कब तक ये लोग काम कर रहे हैं, तब तक तो रुकना ही पड़ेगा अपने को। तो फिर कान चबा रहा है, किसने क्या खाया, किसने क्या बचाया, एज ऑलवेज वही रूटीन। लाइट लगा दी है ताकि सब चीज हमें क्लियर दिखे। रेड टाइगर। चलो भाई, इनका तो काम हो गया, ये लोग तो चले गए, कल सवेरे जल्दी आएंगे बोलते है। यहाँ का नहीं हुआ, मगर पीछे का ये लोगों ने पूरे पत्रे लगा दिए, अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखो पीछे के पत्रे लग चुके हैं, फुल्ली कवर्ड, अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये जाली का मसला है, सिर्फ जाली एक बार मिल जाएंगी ना तो फटाफट से काम कंप्लीट हो जाएगा। ये जाली कल मिलनी चाहिए तो काम हो जाएगा, कल नहीं मिली तो परसों तक काम लटक जाएगा। पत्रे तो फटाक से हो जाएंगे, दरवाज़ा बनाना है, पत्रे लगाने ख़त्म, फिर वो जाली लगानी है, इनका काम डन। कल सब सामान अगर फार्म पे रहेगा तो यहाँ का काम पूरा फत्ते हो जाएगा। चलो भाई, 4:54 और हमारा निकलने का वक्त हो चुका है, जा रहे हैं हम। और तुम लोग क्या बोल रहे हो, कोटा बकरी दिख गई, कोटा बकरी देख लिए हम लोगों ने, कोटा बकरी के बच्चे भी देख लिए। अरे तुम लोगों ने देखे नहीं, वो मैंने तुमको दिखाया। मैं एडिटिंग कर रहा जब मेरे को मालूम नहीं पड़ता क्या? हाँ चलो, रेहान आया था यहाँ पे कुछ सामान लेके, मंडे या ट्यूसडे इसको सर्विसिंग को देने का, ठीक है। चल चलो भाई, सुभान अल्लाह जी सखर लहुलमकरनी। बहुत दिन बाद आज हम लोग घर पे जा रहे हैं बाबा, जल्दी, नहीं तो रोज 6:30, 6:30 ऐसा ही टाइम होता बहुत दिन बाद। अभी कुछ दिन बाद ना और भी जल्दी जाएंगे इंशाल्लाह। जो हमारा थोड़े दिन पहले एक पैटर्न आ गया था, मतलब रूटीन आ गया था स्टार्टिंग के, मेरे को लगता कुछ 3-4 दिन वो रूटीन फॉलो हुआ, सवेरे सवेरे जल्दी जाना, तो वो रूटीन अभी भी फॉलो हो रहा है, मगर आते वक्त का जो है वो रूटीन भी बहुत ज़बरदस्त हो गया था। 1:15 या 2 बजे के आसपास हम लोग फार्म से निकल जाया करते थे और घर पे पहुंच जाया करते थे 2:30-3 बजे के आसपास। वैसा रूटीन बहुत जल्द आ जाएगा इंशाल्लाह, देखते हैं मगर कब आता है। मगर रूटीन जो जाने वाला है वो एकदम बढ़िया है भाई साहब, इतना बढ़िया है कि आपको क्या बताएं, पूरा दिन मिल जाता है हर चीज़ें करने के लिए और करवाने के लिए, और फिर किसी को मौका भी नहीं मिलता हमें बोलने के लिए कि काम ज्यादा है हम कर नहीं पाए, ये बिल्कुल भी मौका नहीं मिलता है। देखो अगर हम किसी के भरोसे पे हर चीज़ छोड़ देंगे ना तो वो काम कभी सही से नहीं होगी। जब तक वो इंसान पूरी ईमानदारी के साथ 1000% देने वाला रहेगा तो तुम एकदम रिलैक्स हो सकते हो, मगर वो काम चोरी करेगा तो फिर नहीं मेरी जान, तुमको नुकसान उठाना पड़ेगा, तुमको हर चीज़ में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा जो अपने को नहीं करने का है। बीच में ऐसा रुकाएंगे तो फिर लफड़े हो जाएंगे ना, तो उसलिए जो है हम लोग फार्म पे जल्दी जल्दी जाएंगे सुबह सुबह ताकि सारे काम हम करवा सकें।